तुम्हें कभी ना कभी छूता है वो। अब तुम्हारे इतना टाइम से उम्मीद बैच चलते आ रहा, सक्सेस बैच चलते आ रहा, कोई प्रॉब्लम आई नहीं ना। वैसे कल तुम में से किसी की इच्छा नहीं थी, मेरे को ऐसा लग रहा है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो मेरे बच्चे लोग? इतना प्यार तुमको कोई करेगा? जोर से बोलो। समझ? हाँ, कौन बोला? जय। कोई नहीं कर सकता तुमको मेरे जितना प्यार, मैं बता रही हूँ तुमको। हेलो, गुड आफ्टरनून। चलो जल्दी जल्दी, फटाफट 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 से लाइव आएंगे, जल्दी जल्दी लाइव आएंगे। अब नाउ आई कैन प्राउडली से दैट गुड आफ्टरनून टू ऑल माय इंटर स्टूडेंट्स, है ना? यस। कुछ बच्चे छोड़ के गुड आफ्टरनून। आई एम तो वेरी गुड यार, आई एम वेरी गुड। एडमिशन डन? यस, वेरी गुड, एडमिशन डन। मतलब अभी अभी तुम लोग जब आए थे, कितने एक साथ में फोन बजे थे, तुमने देखा रहेगा। मतलब ये तो, हाँ, तुम्हारे आने के एक टाइम पहले भी। गुड आफ्टरनून, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। चलो यार फटाफट से लाइव आएंगे, जल्दी जल्दी। सीट बुक? यस, दुर्गेश के भी हो गई है, कल रात में इसने परेशान करा था। ठीक है, कोई नहीं, चलते। ओके ओके, डन। अच्छा, सक्षम आपका भी हो? हाँ, सक्षम का भी कल हो गया। सक्षम एक्चुअली कुछ तो कल बोल रहा था, ही जस्ट वांटेड टू से दैट वी आर ब्लेस्ड कि हम लोगों को आपके साथ फोन पे बात हो रही है करके। तो उसने एक्चुअली क्या बोला मेरे को पहले समझा ही नहीं। मैंने उसको 3 बार पूछा कि तू क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। फिर उसने शुद्ध हिंदी में बोला कि हमारा सौभाग्य है कि आपसे बात हो रही है करके। ठीक है, फाइन, ओके। अच्छा ऋषभ, हाँ ऋषभ का भी अभी हो गया है एडमिशन। यस यस यस, काफी अभी इंटरनल के स्टूडेंट्स भी जो है अपने फटाफट से जग रहे हैं। मैम फर्स्ट कॉल हमारा था, यस पंकज का फर्स्ट कॉल था, सबसे फर्स्ट कॉल पंकज का था। पलक का भी हो गया एडमिशन। लक्ष्य, अभी आपके मम्मी के साथ बात हुई थी, आई डेंट एक्चुअली रिमेम्बर कि आप वो लक्ष्य हो जिसके साथ मेरी बात हो रही है। तो नाउ आई गॉट इट कि लक्ष्य, ओके, इट्स दैट्स यू, दैट्स यू। हर्षी, ओके। हाँ हर्षी बेचारी, उसने 3 नंबर पे कॉल किया, नहीं 2 नंबर पे कॉल किया, 3 3 बार कॉल किया। फिर वो बोली अभी ये नंबर से भी नहीं उठा रहे, वो नंबर से भी नहीं उठा रहे, तो चलो निकिता मैडम के नंबर पे कॉल कर लेते करके। तो शी डिड दैट एडमिशन। यस वसुंधरा, हाँ हाँ हो गया। यस यस यस, हर्ष का भी हो गया है। ओके ओके ओके, मैम मेरा कल ही होगा, हो गया। हाँ तेरा भी हो गया। यस 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 यस, आर बिकम सेलिब्रिटी। हम सेलिब्रिटी तब, हम सेलिब्रिटी नहीं है यार, मतलब वी आर जस्ट नॉर्मल पीपल लाइक यू पीपल। तुम लोग हमको वो इतना ये करवाते हो। श्वेता रानी, यस आपका भी डन हो गया है। प्रणव का भी डन हो गया है। यस आई रिमेम्बर। ओके, तो काफी बच्चों का मेरे को लग रहा है। मैम मेरा भी कैसे है पर एडमिशन कंफर्म मैसेज। अच्छा एक मिनट, नलिनी आपने आज किया हुआ है ना, मेरे को याद है आपने आज किया हुआ है ना, सुबह सुबह किया था ना आपने, आपका कंफर्म हो गया। आप टेंशन मत लो, मैं देखती भी हूँ आपका कंफर्मेशन मैसेज का, लेकिन आपका हो गया है। ठीक है, शाम तक कर लेंगे हर्षी। ठीक है, चैताली ने भी आज कर लिया है। यस मैम, बोथ ग्रुप करना है तो 1000 रुपीज पे करना है। हाँ दोनों ग्रुप करना है तो 1000 ही पे करना है, 2000 नहीं पे करना है, 1000 ही पे करना है। उस चक्कर में मैं बता रही हूँ आज हमारे कितने बच्चे आए हुए जो जिंदगी में पता नहीं किधर खो गए थे, है ना? हाँ तू तू तू, हाँ तू, हो कितना झूठ बोल रहा है। सतीश, यस आपकी भी बात हुई थी। साक्षी का भी डन है। वैष्णव, अरे कल इतना डेंजर कंफ्यूजन हुआ ना वैष्णवी तेरे बीच में और एक स्टूडेंट है वैष्णवी करके, दोनों अपनी इंटरनल स्टूडेंट है, इसलिए तुमको याद आता रहेगा। अर्सर ने वापस से तुमको फोन किया करके। यस अंजलि विश्वकर्मा ना, जिसका अभी अभी बात हुई मेरी, जिसके साथ बात हुई, डन। तो ओके फाइनली वेलकम यू ऑल टू द इंटर वाला फेज। बहुत मजा आएगा तुम लोगों को, क्योंकि वहां पे आकाश सर बहुत धमाकेदार वे में तुम्हारे लिए बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, बहुत अलग अलग
चीजें लेके आने वाले तुम्हारे लिए एंड हाँ ये मजा आने वाला है तुम लोगों को। लेकिन जैसे फाउंडेशन में वैसे इंटर में नहीं रहने वाला, क्योंकि फाउंडेशन इज थोड़ा बहुत चिलपिल वाला चल जाता है, इंटर में यू कैन नॉट अफोर्ड डूइंग द चिलपिल वाला थिंग। चिलपिल रहेगा लेकिन एट द टाइम ऑफ ओकेशन जब अपना रहेगा थोड़ी मस्ती रहेंगी, लेकिन उसी के साथ तुम लोगों को टेस्ट देना है, उसी के साथ पढ़ाई करनी है डेली बेसिस पे तुम लोगों को, तुम्हारे टारगेट्स, तुम लोगों ने टारगेट्स अभी लेने चालू करे फाउंडेशन में। इंटर में तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टारगेट स्टार्टिंग से ही लेना चालू करना पड़ेगा अगर इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास होना है तो। आएगा ध्यान में? सो चलो आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट, वी नीड टू स्टार्ट। कल हम लोगों ने कंट्रोल स्टार्ट किया था, एक लास्ट अपन लोग टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल देखेंगे। तो एक बार भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्लीज भगवान जी आज को इंटरनेट का प्रॉब्लम मत आना। वो कुछ पल के लिए था कल, जो भी था वो इसलिए था क्योंकि शायद तुम में से कुछ बच्चों को मैनेजमेंट नहीं पढ़ना था, कल मन नहीं था, या ऐसे कुछ रहेगा, या अपने गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को मिलने जाना था उस टाइम पे, या कुछ तो रहेगा जिसकी वजह से फिर तुम लोगों ने सोचा था कि मैनेजमेंट का लेक्चर ना हो, एंड मैनेजमेंट का नहीं हुआ है बस तुम्हारी वजह से। ठीक है, चलो टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल सबसे पहला आता है तुम्हारा बजेटरी कंट्रोल। तुम्हारा सबसे पहला आता है बजेटरी कंट्रोल। इट इज ऑल अबाउट कैसे तुम अपने बजट को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने का काम करते हो। अब बजट में तुम बात करेंगे तो लेबर का बजट अलग रहेगा, मटेरियल का बजट अलग रहेगा, कुछ और चीजों का बजट अलग रहेगा। तो डिसाइड करते हो ना तुम कि मार्केटिंग का बजट कितना है, एडवर्टीजमेंट का बजट कितना है, प्रोडक्शन में कितना डालेंगे तुम लोग। तो ये बजट तुम्हारा क्या होता है, बजट तुम्हारा क्या होता है, डिसाइड करके रखा रहता है। ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ एंटरप्राइजेस गोल्स इनटू सब गोल्स ऑफ वेरियस ऑपरेटिंग यूनिट्स व्हिच आर फर्दर ऑपरेशनलाइज्ड एज स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड टारगेट्स ऑफ अचीवमेंट्स ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से 6 months और 1 year। जैसा अपना फेब में बजट आता ना, कितने साल के लिए रहता है, वो 1 साल के लिए रहता है, बराबर है कि नहीं है? तो सेम वे यहाँ पे भी तुम बजट बनाते हो, तुम हर महीने का भी बजट बनाते हो। तुम्हारे घर पे मम्मी बजट बनाने का काम करती है नहीं करती? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन रहेंगे तो जून और जुलाई के टाइम पे क्या होता रहेगा, बजट बड़ा करते रहते रहेंगे क्योंकि फीस रहती है स्कूल्स की वगैरह, ये सारी चीजें। डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अचीव द ऑपरेशनल गोल्स, फंड्स, मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट, टाइम्स एंड सो फोर्थ। अकॉर्डिंग टू द जनरल सैंक्शन फॉर द एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ बजेटरी रिसोर्सेज टू वेरियस एक्टिविटीज यूनिट्स ओवर द बजेटरी पीरियड। Devolution of necessary authority and fixing up of accountability for the planned performance standards and targets among the various executive positions. अब क्या होता है ना, कभी कभी जो स्टैंडर्ड सोचा हुआ रहता है वही होता है क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, कभी ना कभी शायद ऐसा हुआ रहेगा कि ज्यादा हुआ रहेगा, कभी ना कभी ऐसा हुआ रहेगा कि बजट क्या हुआ रहेगा, कम हुआ रहेगा। आप लोग बोलते नहीं क्या, थोड़ा सा ये महीने का बजट हिल गया है तो अगले महीने में हम लोग करेंगे करके। तो स्टैंडर्ड तो तुम डिसाइड करके रखते हो, लेकिन डिपेंड करेगा How you act on it. तो कभी कभी वो ज्यादा भी हो सकता है comparative to standard and goal को लेके। Establishment of appropriate system for monitoring, measuring and evaluating the pace and quality of operations on a continuous basis. अब कभी कभी क्या होता, मम्मी ने ऐसे किया रहेगा अपने घर में, अपना बजट सिर्फ 5,000 का है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और एक एक मतलब एक से ज्यादा अमाउंट तुम्हारा एक ही प्रोडक्ट में जा रहा है, तो मम्मी क्या करने का काम करती है, थोड़ा बहुत वहां पे बजट कम करती है लुकिंग आफ्टर द क्वालिटी वाला थिंग, बराबर है कि नहीं है? क्वालिटी थोड़ा सा कम करके जो बजट में आता है वैसी वाली चीजें परचेस करने के लिए काम करती है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो अपने बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी मैटर करेगा या नहीं करेगा? तो बजट भी वैसे ही अकॉर्डिंगली डिसाइड करना चाहिए, तो इसीलिए उसको कंट्रोल बुलाया गया। हाउ यू कंट्रोल डिफरेंट डिफरेंट बजट एंड डिफरेंट वेज, राइट? ये तुम लोगों को ना बेसिकली अगर मैं बात करूंगी कॉस्टिंग में आने वाला है बजट एंड बजटरी कंट्रोल सीएमए इंटर के अंदर, ये तुम्हारे ग्रुप वन में भी रहता है, ग्रुप टू में भी रहता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीकॉम में रहेगा ना तुमको, बजटरी कंट्रोल बीकॉम में रहेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है तुमको दिया रहता है, फिर एबीसी रहता है, अलोकेशन करना रहता है, सेकेंड ईयर में रहेगा फिर, हाँ तुम बच्चे हो ना अभी तक, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है यार, ये मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्या रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, बैलेंस शीट, बराबर। नोट्स टू अकाउंट्स रहता क्या? नोट्स टू अकाउंट्स नहीं पता, ठीक है चलो तुम बच्चे हो वापस। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब क्या है? ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है।
मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अच्छा ये दोनों तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले क्योंकि इस पे तुमको क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैन बी हेल्पफुल टू द मैनेजर्स इन कैरिंग आउट द प्लानिंग कंट्रोलिंग एंड ऑपरेशनल फंक्शंस बाय गैदरिंग एंड स्टोरिंग एंड कन्वर्टिंग डेटा इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अब बेसिकली MIS, हम MIS किसको बुलाते हैं, वो भी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को स्टोर करने के लिए। जैसे पूरे दिन में जिसके जितने पैसे आए, नाउ मेड बी दी एडमिशन वाला थिंग, मेड बी दी व्हाट, बैलेंस वाला थिंग, मतलब फीस वाला थिंग, कोई भी क्यों ना होने दो। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं, एक तो सीरियल नंबर रहेगा ही रहेगा, उसके बाद ये बैलेंस है या एडमिन है, मतलब एडमिशन है या इंस्टॉलमेंट है करके, उसके बाद नाम, उसके बाद कोर्स, कोर्स के बाद फीस, फीस किसकी लिखने की, जिसके एडमिशन हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कैश में आया या चेक या बैंक में आया करके, तो ऐसे चार पांच कॉलम्स रहते हैं। वो रात में रिसीट्स को लेके कंपाइल करके, फिर ऑनलाइन जो रिसीट्स आई है उसको कंपाइल करके हम लोग लिखने का काम करते हैं। फिर वही चीज नेक्स्ट डे जो हमारा अकाउंटेंट रहता है वो क्या करने का काम करता है, उसी में से एंट्री मारने का काम करता है, तो कुछ मिस भी नहीं होता ना फिर, क्योंकि बार बार वो कितनी बार फोन देखेगा, बार बार रिसीट्स किधर कैलकुलेट करते बैठेगा, बराबर। अभी तुम्हारा बात करेंगे, 1000 रुपीज का तुम्हारा क्या है अमाउंट है, बराबर है, बुकिंग अमाउंट है। अब इतने एडमिशन हो गए हैं कि 1000 कैलकुलेट करना पॉसिबल है क्या, राइट। तो इसीलिए हम लोग वो MIS में लिखते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल रंजू राठौड़, तो इसके 1000 है, सरोज राठौड़ इसके 1000 है, कैश आए बैंक आए, वो सारा लिखने का काम करते हैं। फिर इसीलिए हम लोग जब तुम लोगों से स्क्रीनशॉट मंगवाते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ज्यादा करके हम लोग कैसा मंगवाते हैं, जिसमें UPI तुम्हारा जो ट्रांजैक्शन आईडी रहता है ना वो, सो दैट हम लोग सही तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट करने का काम कर सकते हैं। आए क्या ध्यान में, तो ये बेसिकली मैनेजमेंट का ही काम हुआ ना सही तरीके से, कि कैसे हम लोग हमारे इंफॉर्मेशन को सही तरीके से बुक में डाल रहे और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं मैकेनिकल वे में फिर टैली में डालने का काम कर रहे हैं, राइट। दैट इज MIS। MIS इनकॉर्पोरेट हिस्टोरिकल करंट एंड प्रोजेक्टेड इन्फॉर्मेशन क्वांटिटेटिव एंड नॉन क्वांटिटेटिव। इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन इन समरी और डिटेल फॉर्म एज नीडेड बाय द मैनेजर्स। इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिसीजन इशू, स्ट्रैटेजिक एडवर्टीजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशनल। इट एनेबल्स मैनेजर टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड टाइमलाइननेस ऑफ द डिसीजन इन पर्टिक्यूलर एंड टू सिस्टमाइज इवन द डे टू डे फंक्शनिंग इन जनरल। फिर आया मैनेजमेंट ऑडिट, अगेन इंपॉर्टेंट चीज, जो भी तुम अकाउंटिंग कर रहे हो, जो भी तुम मैनेजमेंट का काम कर रहे हो उसका ऑडिट करना। ऑडिट करना मतलब बेसिकली क्या करना, ये तुमको CMA इंटर ग्रुप में आने वाला है, जिसके लिए मैं ही तुमको आने वाली हूँ, ठीक है। वहां पे ऑडिट करना मतलब क्या होता है, जो तुम्हारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेटमेंट्स राइट नाउ। स्टेटमेंट्स में क्या आता है, ट्रेडिंग, PNL, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें आती है। इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा, ट्रेडिंग, PNL, बैलेंस शीट तो आएगा ही आएगा। कैश फ्लो कभी सुना है तुम लोगों ने, कैश फ्लो करके कंसेप्ट आता है, फंड फ्लो करके कंसेप्ट आता है, फिर तुम्हारे प्रिंसिपल्स आते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज आती है, तो ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिलेटेड ही है। तो ऑडिट में बेसिकली अपन लोग ये सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है ना वो सब सही है या नहीं है वो देखने का काम करते हैं। अगर सब सही है तो ऑडिटर ओपिनियन देता है कि ये क्या है, सब सही है करके, ठीक है। अगर कुछ सही नहीं है, एरर है, फ्रॉड है, तो फिर वो आगे फिर एविडेंसेस ढूंढने का काम करते हैं। तो अपन लोग बात करें मैनेजमेंट ऑडिट की, इज अ सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शनिंग परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। अ फ्यू मेजर एरियाज विच कुड बी एक्सपोज्ड टू द सर्च लाइट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट आर लिस्टेड बिलो। फॉर्मुलेशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, सुना है राइट, वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स ऑफ एक्शंस एंड मैनर इन विच दे आर परस्यूड एज ऑल्सो द एक्सटेंड ऑफ सक्सेस अचीव। डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स, अकाउंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो है ही है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ही है, लेकिन तुम्हारे जो रूल्स है, तुम्हारे जो पॉलिसीज है, तुम्हारे जो प्रोसीजर्स है, वो भी सही तरीके से फॉलो हो रहे नहीं हो रहे वो भी देखना पड़ेगा। मतलब इन जनरल यू हैव टू सर्च एवरीथिंग, यू हैव टू नोटिस एवरीथिंग, यू हैव टू एग्जामिन एवरीथिंग ए से लेके जेड तक, छोटी छोटी चीजें भी तुमको छोड़नी नहीं है, ठीक है। Design and functioning of various systems and operations within the organization. The manner in which the management team anticipates external environment elements and design appropriate adaptive strategies to cope with them. The internal organizational climate, to what extent it is conducive for cooperation, harmony, creativity, productivity and satisfaction, and the quality of manager decisions, their soundness, timelinesness and effective
नेस राइट। तो ये तुमको देखना है, इनडायरेक्टली मैं वापस बोलूंगी, ऑडिट में ये होता है कि इसका ये काम रहेगा कि सारे ऑपरेशन सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सारा काम इफेक्टिवली हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो भी काम हो रहा है इफेक्टिवली हो रहा है, मतलब टाइमलाइन भी आ जाएगा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पे, हो रहा है या नहीं हो रहा है बराबर है कि नहीं, पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें देखने का काम है तुम्हें। आए ध्यान में, समझा? तो यहाँ पे अपना अपन लोगों ने कौन सा खत्म कर लिया है, चैप्टर नंबर 3 भी खत्म, 4 ना, 4 खत्म कर लिया। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लाइव स्ट्रीमिंग वाले जो भी बच्चे तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स रहेंगे, अगर वो लेक्चर नहीं देख रहे हैं, फटाफट से उनको जाके बोलेंगे कि भाई लेक्चर चालू हो गया एंड वी आर स्टार्टिंग विद द 5th चैप्टर। मॉड्यूल के क्वेश्चंस इनफ है, इनफ है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए और थोड़े क्वेश्चंस देख रही हूं। आज अपने को और क्वेश्चंस करने ना इकोनॉमिक्स के, ओके? सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द 5th चैप्टर। आर यू गाइस रेडी फॉर द 5th चैप्टर? आर यू गाइस रेडी फॉर द 5th चैप्टर? मैं इतनी एनर्जेटिक फॉर्म में हूं, तुम इतने ऐसे बैठे हुए हो ना, तो मैं फिर ऐसा तुम करेंगे तो मैं फिर मेरे प्यारे प्यारे YouTube वालों के बच्चों के पास शिफ्ट हो जाती हूँ। अभी तो फिलहाल आधी बटी हुई हूँ, लेकिन मैं पूरी वहां पे चली जाऊंगी, फिर मैं जा सकती हूँ। देखो फिर मैं एक बार गई तो मेरे को लाना मुश्किल हो जाएगा तुमको, अभी बता। सो आर यू गाइस रेडी? तो और घटिया है, चलो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यहाँ पे अपन लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने वाले हैं, अथॉरिटी देखने वाले हैं एंड डेलीगेशन ऑफ वर्क देखने वाले हैं, अथॉरिटी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है? चलो देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सिग्निफिकेंस मतलब क्या? इंपॉर्टेंस, प्रॉपरली डिजाइंड ऑर्गेनाइजेशन। तुम खुद बताओ ना यार पहले क्या सिग्निफिकेंस रहेंगे, चलो 2 मिनट लो जल्दी जल्दी और बताओ क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? हैं? ऐसे क्या कर रहे हैं? तीसरी बार चल रहा है तुम्हारा? डिसीजन मेकिंग, सरापट लो अपना कहीं जाके, नॉनसेंस। हाँ देखा देखा, बेटर डिसीजन मेकिंग, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट रहे फॉर कंट्रोल, हाउ थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर इफेक्टिव वे। आई लव यू पीपल। तो तुम भी देख के लिए बोल सकते हो ना, फिर मैंने ऐसे बोला नहीं कि देखे मत बोलो। मेजोरिटी मेंस ना देखे, तूने अकेले ने बोला। हाँ इतना गंदा बोला तूने कि मेरे को बोलने के लिए भी नहीं हुआ। फॉर ग्रोथ, चलो। प्रॉपरली डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प इम्प्रूव टीम वर्क एंड प्रोडक्टिविटी बाई प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क विद इन विच द पीपल कैन वर्क टूगेदर मोस्ट इफेक्टिवली।
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग. देखो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सही से रहेगा तो ऑब्वियस बात है कि तुम टीम वर्क रख पाएंगे, क्योंकि काम एक साथ में लेके करना है ना, इसलिए तो कोऑर्डिनेशन वाला थिंग भी तुम्हारे सिलेबस में डाला हुआ है, राइट. फिर साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्टिमुलेट्स क्रिएटिव थिंकिंग एंड इनिशिएट्स अमंग ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स बाय प्रोवाइडिंग वेल डिफाइंड पैटर्न्स ऑफ अथॉरिटी. अथॉरिटी कब आती है? जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बराबर है कि नहीं है. अब जब तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से मेंटेन रहेगा, जब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में वेल मैनर्ड या मैच्योर्ड क्राउड रहेगा, तो तुमको अथॉरिटी देने में थोड़ा भी कुछ लगेगा क्या? आराम से. तो इसलिए बोला है यहाँ पे देखो, साउंड ऑर्गेनाइजेशन. साउंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? अगर एक अच्छा और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे सिलेक्ट करने के टाइम पे भी अपन लोगों को सही से लेंगे. तो इसीलिए पैटर्न ऑफ अथॉरिटी भी सही तरीके से डिफाइन की जाती है कि ये इंसान ये डिपार्टमेंट संभालेगा, बी इंसान ये डिपार्टमेंट संभालेगा, सी ये संभालेगा अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज. साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज बाय इंक्रीजिंग इट कैपेसिटी टू हैंडल इंक्रीज लेवल ऑफ अथॉरिटी. अब ना असली टेस्ट कब होता है पता है क्या लोगों के ऑर्गेनाइजेशन का, जो हमेशा हमको सर भी समझाते हैं, सर मतलब यही बोलते हैं हमेशा कि भाई देखो जब काम रहता है तब समझ में आता है कि कौन सा इंसान कितना काम करता है और क्या काम करता है. उस बेसिस पे समझता है कि वो इंसान है क्या करके, क्योंकि काम तो जब नहीं रहता तब तो आराम से सब बैठे ही रहते हैं. जो रेगुलर वाले रूटीन रहते हैं वो तो करने का काम करते ही करते हैं, लेकिन जब असली टेस्ट रहता है काम का वो ये रहता है कि जब बहुत ज्यादा काम रहता है ना, तुम हैंडल कैसे करते हो, तुम उसमें बिहेव कैसे करते हो, तुम अपना पेशेंस तो नहीं खोते क्या. ये सारी चीज है जब तुम प्रैक्टिकली, अभी तो सिर्फ सुनने में तुम बोलते हो, जब प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करेंगे ना, हम भी सुनते थे एक टाइम पे, लेकिन अब जब अप्लाई करते हैं ना तब समझता है कि अरे जब सिखाते थे कि पेशेंस रखना चाहिए तो बहुत जरूरी है पेशेंस रखने के लिए. ये जब तुम करेंगे प्रैक्टिकली तब तुमको समझेंगे, ठीक है. फिर आया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन. द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हेल्प्स अ मेंबर टू नो व्हाट हिज रोल इज एंड हाउ इट रिलेट्स टू अदर रोल. ये तो सबसे पहले ही स्टार्टिंग में अपन लोगों ने देखा था कि मैनेजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन तो होता ही होता है, नो डाउट, लेकिन अगर एक काम सही से नहीं हुआ तो कौन अफेक्ट करेगा? पूरा ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होएगा या नहीं होएगा, बराबर है कि नहीं है. एक डिपार्टमेंट सही से नहीं चला तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन होगा या नहीं होगा. इसीलिए मैनेजमेंट का ये रोल है, या जो मैनेजर है या जो सुपीरियर है उनका एक रोल होता है कि वो ये जरूर देखे कि क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो. और अगर पता है मेरे को कि जैसे रंजू और संजू का बात नहीं हो रहा है आपस में, ठीक है, मेरे को एकदम से ठीक नहीं हुआ इसका नाम, मैंने इसलिए संजू बोल दिया, पर रंजू और संजू का आपस में बात नहीं हो रहा है. मैं क्या करूंगी, इसका डाका किसी और के साथ भिड़ा दूंगी, बराबर है कि नहीं है. मैं इसको किसी और के साथ कोऑर्डिनेट करवा दूंगी, क्योंकि मेरे को भी ना मैनेजर क्या इंपॉर्टेंट है, काम होना और सही से काम होना, बराबर है कि नहीं है. तो इसीलिए जो मैनेजर है ना, पहले तो उसको भी पता होना चाहिए कि काम क्या है करके. नहीं सही बात है, सच्ची में आधे लोगों को तो पता ही नहीं रहता कि काम क्या होता है, तो वो क्या किसी और को सामने वाले को समझाएंगे फिर, बराबर है कि नहीं है. तो दैट इज द थिंग. फिर आया तुम्हारा क्या, डिटरमाइनिंग द काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक्टिविटीज एनालिसिस. द पर्पस ऑफ एक्टिविटी एनालिसिस इज टू डिस्कवर द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द प्रपोज्ड ऑर्गेनाइजेशन. फॉर इट इज around this that other activities will be built. It may be pointed out that in every organization one or two functional areas business dominate. अब ना एक department है for example, ठीक है, हर एक इंसान के जो roles रहेंगे वो क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, बराबर है कि नहीं है, right. अब जब बात आई for example marketing की, बराबर, तो यहाँ पे जिसका एक्सपर्टाइज रहेगा वही वही तो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहने वाला है. अब मैं यहाँ पे बोलूंगी क्या कि अरे मेरे को तो इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया यहाँ पे करके, सेंसिबल चीज रहेंगी क्या? नहीं. जहां पे जो चीज का एक्सपर्टाइज रहेगा, जो फंक्शंस में जिसका एक्सपर्टाइज रहेगा उनको ही वो चीज में इम्पोर्टेंस मिलने वाला है. तो यहाँ पे वही बात करी हुई है इन्होंने, डोमिनेट वही लोग करे. इम्पोर्टेंस का मतलब गलत मत लेना, इम्पोर्टेंस मतलब वैसे लेके डोमिनेट करेगा, जो रूल करेगा, क्योंकि उसको ही तो पता रहेगा ना एक्टिविटीज क्या करनी है और क्या नहीं करनी है. अपने को तो बस फॉलो करने का काम करना है, बराबर है कि नहीं है. डिसीजन एनालिसिस एट द स्टेज द मैनेजर फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन विल नीड टू बी मेड टू कैरी आउट द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन.
एंड रिलेशन एनालिसिस अगेन द कोऑर्डिनेशन सही तरीके से होना चाहिए बिटवीन लैटरल टू लैटरल, वर्टिकल टू वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल, और कोई अगर चेन रहेगा तो उसके अंदर का डायगोनल आपस में कम्युनिकेशन अपन लोगों ने कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ा हुआ है बराबर है कि नहीं, तो डायगोनल में सही तरीके से होना चाहिए है ना, तो रिलेशन सही तरीके से होने चाहिए। फिर क्या है तुम्हारा प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगर तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी रहेंगी कंट्रोलिंग में भी प्रिंसिपल है, कोऑर्डिनेटिंग में भी प्रिंसिपल है, काफी जगह पे प्रिंसिपल्स है, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा क्योंकि शायद तुमको ऐसा भी आ सकता है तुम्हारे एग्जाम के अंदर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो दिखने में सारे सेम दिखेंगे या नहीं दिखेंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि तुमने देखा रहेगा कोऑर्डिनेशन हर जगह पे आया हुआ है, तुमने देखा रहेगा कम्युनिकेशन हर जगह पे आया हुआ है, प्लानिंग हर जगह पे आया है क्योंकि वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी फंक्शन है ना, बराबर है कि नहीं, तो तुमको सही तरीके से करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या मतलब है इसका बताएंगे मेरे को, कंसीडरेशन ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या लगता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, सेम सेम होने चाहिए, अगर ऑब्जेक्टिव सबके सेम हुए, सबने ऑब्जेक्टिव सही तरीके से अचीव करे तो ऑर्गेनाइजेशन भी अचीव कर लेगा फिर तो राइट। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लुएंसेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देन मस्ट बी यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव सो दैट ऑल एफर्ट्स कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेट ऑफ गोल्स। स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंक्लूड स्पेशलाइजेशन, प्रिसाइज डिवीजन ऑफ वर्क फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन दैट इज एक्सपर्टाइज, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ वर्क, कोऑर्डिनेशन समझाने की जरूरत नहीं है, क्लियर अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी, क्लियर अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये है टॉप मिडिल लोअर, बराबर टॉप जाएगा मिडिल के पास, मिडिल जाएगा लोअर के पास, अगर लोअर को अपना रिपोर्टिंग करना है या लोअर को अगर कोई अपने सजेशंस दे रहे तो किसके पास जाएगा वो, फिर मिडिल किसके पास जाएंगे, तो वो अथॉरिटी का जो दिया हुआ है उसको तोड़ने का क्या तुम लोगों ने लाइन को, बस ये वही बता रहा है, देख चेन ऑफ कमांड शुड नॉट बी ब्रोकन, ठीक है। मैं मेरे को रंजू ने कमांड दिया और मैं संजू के पास जाके बैठी हूँ कि भाई देखिए क्या करना है करके चलेगा क्या, अब इसको आज से कितने लोग संजू बुलाना चालू करेंगे, तुम लोगों ने टाइमिंग क्यों नहीं रखा सच्ची में, बराबर मंजू बोलते हैं इसको, मेरे को संजू बोला, आई आई मेरे को क्या पता था इसको संजू बुलाते का, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, एफिशिएंसी पता है, डेलीगेशन मतलब क्या रहता है भाई, व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन, काम को बांटना, तो स्पेशलाइजेशन ही हुआ ना फिर इनडायरेक्टली अगर अपन बात करेंगे तो। यूनिटी ऑफ कमांड, ईच वन बॉस वन कमांड, याद आ रहा है क्या, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, नो सुपीरियर एट अ हायर लेवल शुड हैव मोर देन 6 इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स, मतलब हायर 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 ओनली 6, नो मोर देन दैट, हाउ मच 6 डूइंग देन, डिफिकल्ट डूइंग, कम्युनिकेशन वापस से कॉमन टॉपिक, फ्लेक्सिबिलिटी, तुमने कल बोला था ना मैडम आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या, आप ऐसे लग रहे हो क्या, इसलिए मैं आज फुल एनर्जी के साथ आई हूँ तुमसे, डबल, अरे नहीं यार कल जितने भी बच्चों से बात हुई ना, मतलब मैडम गर्म पानी पियो, मैडम नमक में नमक पानी पियो, हल्दी का दूध पियो, ये करो वो करो ध्यान करो, बहुत मैडम ये क्या डेंगू हो रहा है ना अभी आजकल बहुत ज़्यादा, मैंने बोला मेरा गला गया सिर्फ डेंगू कहाँ से होएगा मेरे को, हाँ तो नहीं फिर भी डॉक्टर के पास जाया करो, ये हर्षी नहीं कौन है यार ये, इधर बैठ के मेरे को मैसेज कहीं को कर रही रहे, हाँ इधर बैठ बैठ के मेरे को मैसेज कर रही, फ्लेक्सिबिलिटी, एवरीथिंग शुड बी फ्लेक्सिबल, कुछ भी स्टैटिक नहीं होना चाहिए राइट, एवरीथिंग शुड बी डायनामिक, कि जैसे सिचुएशन चेंज होती है वैसे अपने आप को तुमको क्या करना पड़ेगा, चेंज होने का काम करना पड़ेगा, क्लियर है, समझ में आया, लाइव स्ट्रीमिंग क्लियर है क्या, लाइव स्ट्रीमिंग एक बार फटाफट से बताएंगे, इज इट क्लियर टू यू ऑल, तुम लाइव स्ट्रीमिंग हो क्या, अच्छा ठीक है मैंने देखा नहीं, मैंने अभी नोटिफिकेशन में देखा इसलिए बोला सॉरी,
लाइव स्ट्रीमिंग जल्दी जल्दी बताएंगे, इज इट क्लियर टू यू ऑल? यहाँ पे क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? और ज्यादा हिट हो रहा है क्या अभी दिमाग में? पक्का भूल नहीं रहे ना? मेरे को सच्ची सच्ची बताएंगे कौन बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस को लेके डिपेंडेंट है? ये वाले तो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम तो हाथ उठा के देखो बच्चे, मैं तेरे को ना ठोक दूंगी सबको एक एक करके। तुम्हारे तीसरी बार चल रहा है। तनुश्री बोल रही, अच्छा हुआ मैंने मैडम ने बोलने के पहले नहीं उठाया, नहीं तो मैं उठाने वाली थी अभी। लर्न हो गया है, हो गया है, क्या हो गया है? मेरा अब तक लर्न हो गया है नहीं है। ये तेरा क्वेश्चन था, सही सही बोल। मैं अपने बच्चों को जानती हूँ यार, ऐसे क्या कर रहा तू? हाँ हाँ सक्सेस बैच और मॉड्यूल इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके बाहर तुमको जाना ही नहीं है। मैं तुमको बोल रही हूँ मैनेजमेंट को लेके तो बिल्कुल नहीं जाना है। ए रुक एक मिनट, ये क्या बोली? मेरे बाकी के जो भी लाइव स्ट्रीमिंग में बच्चे बैठे हुए हैं, जिन्होंने भी मेरे को मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, मैंने फॉलो बैक किया या नहीं किया, फटाफट से बोलो यार। ये मेरे को बोल रही फॉलो बैक नहीं किया करके, ऐसे करने का काम कर रही है। और नहीं बोला तूने मैसेज किया तो मैंने भी करा था फॉलो बैक, मैं सबको करती। क्या ब्लॉक कर दूं? ठीक, यार यार बच्चे मेरे नाम का ही क्यों बम्बा बम मारते, मेरे को समझ में नहीं आता है। मैं ऐसे कुछ करती भी नहीं हूँ यार। सच्ची में नहीं होती, मदद नहीं करती। हाँ वही तो हो गया ना। जतिन एसी के भरोसे है कोई एसी के भरोसे है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको खुद को भी पढ़ाई अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। अगर आपको सही तरीके से करेंगे तो होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। ये मैं तुमको पहले से बता के रख रही हूँ। यू कैन डिपेंड कंप्लीटली ऑन इट, बट यू हैव टू स्टडी ऑल्सो। आज क्या क्या करेंगे मैं बताती हूँ। मैं एक्चुअली थोड़ी बहुत आजकल बिजी चल रही हूँ ना बहुत ज्यादा, इसलिए एक मिनट। अब मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। कल मैडम ने तुमको क्या बोला, श्रुति मैडम ने परसों के दिन का बताया ना, दो फोन नंबर दिए हुए हैं, लेकिन कितने लोग के बैठने पड़े? तीन। और तुम जितने भी बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग में भी रहेंगे, यहाँ पे तो हम लोग ही बात करते हैं, मतलब तुम्हारे साथ तो तुम्हारे नहीं, जो अपने इंटरनल भी लाइव स्ट्रीमिंग थे उनसे भी तीन से चार बार हम लोगों ने बात करी हुई है। किसके लिए? पहले के पढ़ाई को लेके, ठीक है? तो एडमिशन्स के लिए भी जब भी बच्चे कोई भी कॉल कर रहा है, तो अगर कोई स्टाफ ने भी बात करी रहेंगे ना, तो भी उसके बाद हम लोग बात कर ही रहे हैं, हम दोनों तो स्पेशली बात कर ही रहे हैं, और कभी कभी रहा तो श्रुति मैडम भी कर रहे हैं एट टाइम्स, क्योंकि अगर ज्यादा रहा ना तो श्रुति मैडम भी कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, 42 वाला नंबर है जो नंबर तुमको दिया हुआ है, 43 वाला नंबर है, अगर 42 किसी ने नहीं उठाया तो 43 पे कॉल करते, 43 नहीं उठाया तो 42 पे करते, ये दोनों पे नहीं उठाया तो मैसेज करने का काम करते, या फिर हमारे नंबर पे बहुत कम करते। एंड ट्रस्ट मी, आई एम सो इम्प्रेस्ड विथ यू पीपल ना, मतलब तुम हो या लाइव स्ट्रीमिंग के बच्चे हो या जो भी सारे बच्चे हो, आई एम सो इम्प्रेस्ड। हर बार हम लोग ये बताते हैं कि आपको सिर्फ ऑफिस के नंबर पे कॉल करना है, ठीक है, पर्सनल नंबर पे किसी पे भी कॉल नहीं करना है, लेकिन बच्चे फिर भी क्या करते हैं, कभी कभी पर्सनल नंबर पे भी कॉल करते हैं। अनलेस हम नहीं बोलते तब तक ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे वहां पे भी कॉल करते हैं। दिस इज द फर्स्ट बैच नहीं बोल सकते, लेकिन ये बैच ऐसी है
जो सच में सिर्फ और सिर्फ ऑफिस नंबर पे कॉल करती है, किसी ने भी अब तक हार्डली एक दो को छोड़ के, वो भी जब उनको समझा कि हम ही बात कर रहे हैं और हमने अगर बोला रहेगा कि हमारे नंबर पे कॉल करो तो करने का काम कर रहे हैं। नहीं तो फिर ये बैच टचवुड ऐसी है जो समझ गई है एक्चुअली कि जो रूल्स है वो फॉलो करने चाहिए, जो एक प्रोसीजर बनाया हुआ है वो फॉलो करने चाहिए। तो ये पहली बैच है, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू पीपल। मेरे को इतनी खुशी मिलती है ना, मैं फर्स्ट डे भी लिटरली मैडम को भी बोली और हम लोग भी, मैडम भी बोली और हम लोग भी बात कर रहे थे आपस में। टाइमिंग तुमको 6 साढ़े 6 बजे तक का दिया हुआ है, बराबर है कि नहीं है? नाउ अकॉर्डिंग टू द एडमिशंस वी कैन अंडरस्टैंड कि तुम थोड़ा सा लेट भी करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। लेकिन बच्चों ने लिटरली कल हमको ऐसा भी बोला है कि मैडम ने ऑलरेडी टाइमिंग दिया हुआ है तो इसलिए हम लोगों ने रात में कॉल नहीं करे हुए हैं। तो दिस इज रियली अ वेरी अप्रिशिएटिंग वाला थिंग फ्रॉम योर साइड। और हाँ ठीक है, तूने किया मेरे को, बट इट इज ओके। नहीं वो तूने इसके लिए किया, अगर कुछ होता तो मैं तेरे को बोल देती कि नहीं करने का कर। लेकिन वेरी 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 अप्रिशिएटेड विद ऑल ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू पीपल। एंड अगर तुम ऐसी ही चीजें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आई वुड से टुडे यू पीपल बी ना एसी स्टूडेंट्स, तुम लोग बहुत 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 आगे जाएंगे अगर तुम सारे रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज वगैरह, क्योंकि अपन यही तो सीख रहे हैं ना अभी, बराबर है कि नहीं है? तो आई एम वेरी वेरी प्राउड। प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे को ना अपसेट मत करना कोई भी चीज को लेके, या मेरा नाक मत कटाना, क्योंकि इतना प्राउडली मैंने बोला हुआ है, वो भी पूरे यूट्यूब पे बोला हुआ है, तो मैं वही चीज बोलूंगी यार, नहीं तो फिर बोलेंगे क्या मैडम के बच्चे करके, है ना? यस चल, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो आगे विद द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? क्या लगता है क्या रहेगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? सेम, जहाँ पे रूल सही से बताए रहेंगे, पॉलिसी सही से डिफाइंड रहेंगी, एकदम प्रिसाइज फॉर्म में चलता रहेगा, डिस्क्राइब फॉर्म में चलता रहेगा, उसको अपन लोग बुलाएंगे क्या? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर इज लेड डाउन बाय द टॉप मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, प्रिस्क्राइब्स द रिलेशन अमंग्स द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, इज डिजाइन टू एनेबल द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क टूगेदर फॉर अकम्प्लिशिंग द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेस। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द जॉब टू बी परफॉर्म एंड नॉट द इंडिविजुअल हु आर टू परफॉर्म जॉब। ये बहुत बड़ी चीज बोली हुई है इन्होंने, ये बोला हुआ है कि वेन यू आर इन द ऑर्गेनाइजेशन ना, तुमको क्या करना पड़ेगा जब तुम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, यू हैव टू सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट योर पर्सनल एजेंडा। तुमको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी वापस से बोला था अगर ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा तो इंडिविजुअली तुम्हारा कहीं ना कहीं भला होने वाला है, बराबर? बट दैट शुड बी द सेकेंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना रहना चाहिए। इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल्स आर फिटेड इनटू जॉब एंड पोजीशंस एंड वर्क एज पर द मैनेजरियल डिसीजन, दस द फॉर्मल रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन अराइज फ्रॉम द पैटर्न। वीडियो पॉज, नो पॉज, बिकॉज नो प्रॉब्लम कमिंग योर। ये बाकियों को भी है क्या? ये देख तेरी मुश्किल का मैसेज, हाँ वही उसको बात करनी। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड बाय रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स। इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द पोजीशन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ ईच आर क्लियरली डिफाइंड, राइट? एडवांटेजेस क्या रहेंगे? सब सही तरीके से काम करने का काम करेंगे, इनफॉर्मल रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कौन किसको क्या काम करना है करके, ठीक है? द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द जॉब टू बी परफॉर्म, इट देयरफॉर मेक्स एवरीबॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ गिवन जॉब। क्योंकि मैंने तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, तुमको वो करनी पड़ेगी भले ही तुमको मन से हो या ना हो। इज बाउंड बाय रूल्स रेगुलेशंस, वापस से सेम चीज आई। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एनेबल्स द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क टुगेदर, अगेन द सेम थिंग। डिसएडवांटेज क्या रहेगा और कभी भी याद रखने का, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों अपोजिट अपोजिट है, तो जो फॉर्मल के एडवांटेजेस रहेंगे वो इनफॉर्मल के क्या रहेंगे? डिसएडवांटेजेस। तो फॉर्मल के डिसएडवांटेजेस रहेंगे वो इनफॉर्मल के क्या रहेंगे? विषय संपला, समझा? द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन, अरे वो आने वाली थी ना श्री जय श्री, does not take into consideration the sentiments of organizational members। अब यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं ना,
तुम्हारा काम है तो तुमको करना ही पड़ेगा. आई एम नॉट आस्किंग यू वेदर यू आर डूइंग इट और नॉट. वो अपन लोग सेंटिमेंट्स नहीं समझ रहे ऐसे बोल रहे, लेकिन समझने की जरूरत भी नहीं है. अगर समझते बैठेंगे तो काम नहीं होएगा, काम नहीं होगा तो पैसे कैसे कमाएंगे, पैसा नहीं होगा तो अरे घूमेंगे कैसे, मजे कैसे करेंगे जिंदगी के. मजे में खाना भी आया, पीना भी आया, घूमना भी आया और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तुमको समझ गया मैं आगे क्या बोलने वाली. द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कंसिडर द गोल्स ऑफ द इंडिविजुअल. इट इज डिजाइन टू अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओनली. द फॉर्मल क्या बोला इन्होंने, इंडिविजुअल का गोल कोई देख ही नहीं रहा है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का देखे जा रहा है. द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड टू रिजिड रूल्स रेगुलेशंस, कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता. इनफॉर्मल एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तुमको पढ़ना है इनफॉर्मल के. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द रिलेशन बिटवीन पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन पर्सनल एटीट्यूड्स, इमोशंस, प्रीजुडाइज, लाइक्स एंड डिसलाइक्स. इट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय एनी फॉर्मल अथॉरिटी बट अराइजेस फ्रॉम द पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस टू द पीपल. Characteristics is not established by any formal authority. It is unplanned and arises spontaneously. Personal and social obligations, relations among the people working in the organization. It is a natural process. It is not based on rules, regulation. मतलब क्या है ना, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो. जैसे चल रहा है उस टाइम पे जो अपने को डाउट आ रहा है वो क्लियर करने का काम करते हैं, जो सिचुएशन चेंज करनी है वो करने का काम करते हैं. कुछ प्लान नहीं है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है. अब प्लान के अंदर भी अपन लोग जब स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे तो स्ट्रैटेजीज भी अपन लोग अल्टरनेटिव चूज करके रखेंगे या नहीं रखेंगे. द इंटर रिलेशंस अमॉन्ग द पीपल इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी शोन इन एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. हटाई कर दी सीधे, मतलब इनफॉर्मल को बाहर ही निकाल दी सीधे. जो फॉर्मल है वही अंदर रहेंगे, जो इनफॉर्मल है वो क्या करेंगे. इन द केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द पीपल कट across formal channels of communication and communicate among themselves. Clear? Samjha? Pakka? Sure? And benefits tumhare liye kya hone wale iske? Homework rahenge. Same like characteristics hi rahenge benefits. Kuch alag rehne nahi wala. Chalo line organization. Line organization ka matlab kya hai? No this line. This line. Vertical? Barabar hai ki nahi hai? Line organization ka matlab kya hai? कि जो भी हेड है वो सेकेंडरी हेड पे जाएगा, फिर वो एग्जीक्यूटिव के सीनियर एग्जीक्यूटिव के पास जाएगा, सीनियर एग्जीक्यूटिव के नीचे कौन आएगा, एग्जीक्यूटिव आएगा, एग्जीक्यूटिव के नीचे कौन आएगा, मैनेजर आएगा. फॉर एग्जांपल मैनेजर के नीचे कौन आएगा, एम्प्लॉयज आएंगे, एम्प्लॉयज के नीचे स्टाफ आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे. तो ये क्या हो गया, लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो गया. बराबर है कि नहीं है. हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है, इसको अपन लोग क्या बुलाएंगे, लाइन ऑर्गेनाइजेशन बुलाएंगे. ये इसको काम देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये रिपोर्टिंग इसको देगा, उल्टा रिपोर्टिंग जाएगा. ठीक है, ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन तोड़नी चाहिए क्या तुम लोगों ने. इसीलिए तो रूल्स बनाए हुए हैं ना, कि ए जाएगा बी के पास, बी जाएगा सी के पास, सी जाएगा डी के पास, डी जाएगा सी के पास रिपोर्टिंग के लिए, सी जाएगा बी और बी जाएगा ए के पास. लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे तुम लोगों को एक एक्सपर्टाइज इंसान बिठाया जाता है. याद आ रहा है क्या, अभी याद है क्या, हर एक डिपार्टमेंट हर एक लेवल पे क्या बिठाया जाएगा, एक्सपर्टाइज को बिठाया जाएगा, जो हेल्प करेगा क्या, तुम्हारे प्रॉब्लम्स को लेके तुम्हारे लिए सोल्यूशंस निकालने का काम करेगा. उसको अपन लोग क्या बोलाएंगे, स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज द सिंपलेस्ट. अरे कौन वापस से कुछ तो किया, जय अस्मत. एक तो दो दो जय है ना, किसको क्या बुलाने का समझ में नहीं आता. This is the simplest and earliest form of organization. It is also known as MCQ. क्या बुलाया जाता है उसको, military traditional scalar
और हायरार्किकल फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एमसीक्यू में मार्क करके रखेंगे। लाइन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर इन अ डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप थ्रू विच अथॉरिटी फ्लोज, दैट इज टॉप डाउन बॉटम अप, वही हो गया ना। अंडर दिस द लाइन अथॉरिटी लो फ्लोज वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम टॉप टू डाउन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। द क्वांटम ऑफ अथॉरिटी इज हाईएस्ट एट द टॉप एंड रिड्यूसेस एट ईच सक्सेसिव लेवल सक्सेसिव डाउन द हायरार्की। एडवांटेजेस, इट इज द इजिएस्ट टू एस्टैब्लिश एंड सिंपलेस्ट टू एक्सप्लेन टू द मैनेजर। इट फिक्सेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ टास्क इन अ डिफाइंड मैनर अपॉन सर्टन इंडिविजुअल। इट इज मोस्ट इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव। इट टेक्स फॉर यूनिटी ऑफ कंट्रोल दस कन्फर्मिंग टू द स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इट फैसिलिटेट्स प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग बिकॉज देयर इज डिफाइंड अथॉरिटी एट एवरी लेवल। तुरंत तुरंत तुम डिसीजन लेने का काम कर सकते हो। इट इज कम्प्लीटली टाइम बेस्ड रहेगा, तुम लोगों को ज्यादा टाइम लगने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेजेस, द ऑर्गेनाइजेशन इज रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। देयर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी ऑन द टॉप। इफ द टॉप एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट केपेबल द एंटरप्राइजेस विल नॉट बी सक्सेसफुल। If superiors take wrong decision, it would be carried out without anybody having the courage to point out its deficiencies. मतलब क्या बोला पता है कि इन लोगों को focus किस पे रहता, सिर्फ top management पे, top level के लोगों पे। अब यहाँ पे किसकी हिम्मत होगी कि top management वाले तुम लोग गलत हो, अगर गलत हुआ तो हमारी बोलने की हिम्मत होगी क्या, बराबर है कि? तो ये disadvantages है। इट मे बी गुड डील ऑफ नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, दिस मे रिजल्ट इन एफिशिएंट पीपल बीइंग लेफ्ट बिहाइंड एंड इनएफिशिएंट पीपल इन द हायर एट बेटर पोस्ट। विद ग्रोथ द लाइन ऑर्गेनाइजेशन मेक्स द सुपीरियर टू ओवरलोड विद वर्क। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सुटेबल टू द बिग ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड स्पेशलिस्ट इन द स्ट्रक्चर। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या? लाइन स्टाफ वही बोला है, लाइन स्टाफ इन्होंने क्या बोला हुआ है, तुम पढ़ के आएंगे लाइन स्टाफ को, इनडायरेक्टली तो मैंने बोला हुआ ही है। लाइन स्टाफ में क्या होता है, द लाइन अथॉरिटी रिमेन्स द सेम एज इट डज इन द लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। द मेन डिफरेंस इज दैट स्पेशलिस्ट आर अटैच टू लाइन मैनेजर टू एडवाइज देम फॉर इम्पोर्टेंट मैटर्स। बाकी सब क्या है, सेम ही है। और ये अलग अलग टाइप्स ऑफ क्या है, तुम्हारे तीन स्टाफ है, पर्सनल स्टाफ, स्पेशलाइज्ड स्टाफ एंड जनरल स्टाफ। तो ये तुम रीड करेंगे क्या, कसम खाओ, खुद की खाओ बाबा, किसकी किसकी क्या खाते क्या, कसम। चलो तो ये पढ़ के आएंगे तुम लोग, कल अपन लोग इसके आगे का करेंगे, बराबर है कि नहीं है? तो दो कल कुछ तो है, कितने बजे है, सब रहेंगे ना अनाउंस, सब रहेंगे ना लाइव, पक्का क्या? देखो पिंकी प्रॉमिस, छी तुम भी करते हो, मैं भी करती हूँ, पता नहीं उसमें क्यों मानते, लेकिन किसकी, पिंकी की प्रॉमिस, पिंकी को मार दिया। तो कल शार्प शाम में 8 बजे रहने वाला है क्या अनाउंसमेंट तुम्हारे, किसके लिए, मजा आएगा क्योंकि दिस टाइम इट्स गोना बी अ नेवर नेवर एक्सपेक्टेड वाली चीज है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। वाह, चलो इतना जरूर है कि अगर अपन दोनों साथ में रहो ना सब लोग मिलके, तो या तो मैं पागल हो जाऊंगी या तो तुम हो जाएंगे, या अपन दोनों करके, अपन दोनों मिल, अपन सब मिलके सबको कर लेंगे, और कुछ नहीं, ये बेटर है, थर्ड वाला बेटर। तो पागल अपने को किस फॉर्म में करना है पता है क्या, अच्छे मार्क्स ला ऐसे पागल करना है अपने को, क्या बोलने का। तो कल मैराथन के लिए तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सा सरप्राइज है, एकदम एलिगेंट वाला सरप्राइज है, ठीक है। और लेक्चर भी होने वाला है तुम्हारा कल, टारगेट टारगेट कल 5th चैप्टर खत्म करेंगे,
संडे को सिक्स चैप्टर खत्म करेंगे, संडे में क्लास ले रही हूँ मैं, तुमको बता के रख रही हूँ ठीक है, संडे को सिक्स चैप्टर और मंडे को सेवन चैप्टर करके, सेवेंथ और सेकेंड चैप्टर करके खत्म कर देंगे। आया ध्यान में? क्लियर है? पक्का? सो यस वी आर डन फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल। 10 मिनट का ब्रेक, 1:30, 1:35, 50 मिनट का ले लो, 1:35 को तुम्हारा रहेगा कौन सा, इको का लेक्चर। पागल, ये पागल को पागल कर दे जहां भी ये जाए। शिनचैन 120 के कंप्लीटेड, वाओ, वेरी 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 गुड। इंस्टाग्राम, अच्छा सब्सक्राइबर की बात कर रहा। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, लव यू ऑल, टाटा।